आइए स्वागत है आप लोगों का आज की इस लाइव क्लास में। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9.4। तो फटाफट अपने नोटबुक्स और पेन अपने हाथ में ले लें और लेट्स बिगिन एक्सरसाइज 9.4। एक्सरसाइज 9.4 में जिसमें मैंने इनको आप लोगों को पिछले क्लास में करवाया था कि एक सर्कल है, सर्कल के बारे में जितने भी बेसिक जानकारियाँ थी मैंने आप लोगों तक पहुँचा दिया। ठीक है, अब आप लोगों का काम है कि उसे अच्छे से रिवाइज करें, बेहतर तरीके से समझना। और क्योंकि जब तक इंट्रोडक्शन इस एक्सरसाइज का अच्छे से नहीं समझते हैं या आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं होगा कि रेडियस क्या होगा, डायमीटर कैसे होगा, ठीक है, सेंटर क्या होगा, सर्कमफेरेंस क्या होगा, अगर ये सारी चीज़ों में अगर उलझन है तो आई रिक्वेस्ट कि आप एक बार फिर से इंट्रोडक्शन क्लास करें, है ना। आप पिछले वीडियो देख सकते हैं और पिछले वीडियो में मैंने काफ़ी अच्छे से आप लोगों को बताया भी था। और सबसे बेस्ट तरीका होता है किसी भी चीज़ को समझने का, उसको याद रखने का, आप उसके एग्जांपल्स को देखें। ठीक है, एग्जांपल्स जो होते हैं ना वो हमेशा आपको याद रहेंगे, डेफिनेशन हमेशा हो सकता है आपको याद रहे चाहे नहीं है, लेकिन जब एग्जांपल्स आप देखते हैं और आप उसमें अगर उस पार्ट्स को अगर अच्छे से भाप लें, समझ लें, तो आप उसका डेफिनेशन खुद से भी बना सकते हैं। तो आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैथ्स जब भी पढ़ा जाता है तो उसका एक मोटो होता है कि हम अपने मेंटली अपना कितना ज़्यादा अपने आप को डेवलप। ठीक है, तो रट्टा मारने का काम इधर मत कीजिए। ठीक है, तो चलिए एंजॉय कीजिए इस एक्सरसाइज को। एक्सरसाइज 9.4 क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले कहता है इन द गिवन फिगर्स, इन द गिवन फिगर्स नेम द पार्ट्स, नेम द पार्ट्स ऑफ द सर्कल, ऑफ द सर्कल। उसके बाद उसमें कौन कौन से पार्ट्स लेने, सेंटर, रेडियस, डायमीटर एंड कॉर्ड, ये सारे पार्ट्स हमें लिखने हैं, जो भी फिगर होंगे सब लिखे। तो चलिए सबसे पहला जो फिगर है, सॉरी, इसमें फिगर कुछ ऐसा है, पहले तो मैं एक सर्कल ड्रॉ कर देता हूँ और ये सेंटर को यहाँ से एक डायमीटर पास किया है जिसका नेम है MN। इसके बाद यहाँ एक EU कॉर्ड लिया गया है। नेक्स्ट O को T तक मिलाया गया सेंटर यानी सर्कल पर और नीचे एक और कॉर्ड लिया गया है जिसका नेम है R और S। ठीक है, ये आपका फिगर है। अब इसमें बारी बारी से देखिए क्वेश्चन में क्या क्या लिखना है, सेंटर लिखना है। सबसे पहले मैं लिखूंगा सेंटर, आप देख सकते हैं इसका जो सेंटर है केंद्र है वो है O। उसके बाद क्या लिखना है, रेडियस, रेडियस यानी त्रिज्या। देखिए यहाँ ओ से एन, ये पहला, दूसरा ओ से एम और ये तीसरा ओ से टी, तो ओ एम, ओ एन और ओ टी, है ना। ये जो तीनों के तीनों है ना, ये जो सेंटर से सर्कमफेरेंस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे हम रेडियस कहते हैं। तो यहाँ तीन तीन रेडियस, एक तो ये टुकड़ा है, एक ये टुकड़ा और एक ये टुकड़ा है। ठीक है, तो ये हो गया रेडियस। अब बात करेंगे डायमीटर, डायमीटर देखिए m टू द n, मतलब m से n तक का जो डिस्टेंस है, मैंने बताया था कि किसी भी सर्कल का ऐसा कॉर्ड जो वृत्त के केंद्र से होकर के पास, वृत्त के सेंटर से, सर्कल के सेंटर से होकर के पास करे वो डायमीटर होता है। और एक मात्र ऐसा कॉर्ड है जो कि m है, तो ये m है जो इसका डायमीटर कहलाता है। इसके बाद कॉर्ड भी लिखना है आपको, तो देखिए कॉर्ड में क्या लिखिएगा, कॉर्ड बेसिकली PQ, किसी भी पॉइंट पर वृत्त को यानी सर्कल को किसी भी टू पॉइंट पर टच करने वाला जो भी लाइन सेगमेंट होगा वो कॉर्ड होगा। PQ यहाँ पर कॉर्ड है, नीचे RS भी एक कॉर्ड है और आप कह सकते हैं MN, MN जो है ये सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होगा। ठीक
ठीक है, किसी भी सर्कल का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट डायमीटर ही होता है, वो डायमीटर क्या है, एम। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर वन का जो पहला सवाल था ना ए, वो आपका कंप्लीट हो जाता है। और अब हम बनाएंगे डी। इसके बाद हमें डायमीटर लेना है। डायमीटर क्या होगा, वो होगा यू से टी का डिस्टेंस है, यू टी, जो कि मतलब ऐसा कौन जो सेंटर से पास है। सेंटर देखिए ये है, इससे होके पास कर रहा है और दो बिंदु पर ये टच कर रहा है सर्कल के, सर्कल पर। तो वैसे ये आपका डायमीटर है। अब कॉर्ड की बात है, किसी भी बिंदु पर सर्कल को किसी भी दो पॉइंट पर टच करेगा वो कॉर्ड होगा। जैसे पी क्यू पर टच करेगा तो पी क्यू कॉर्ड हो गया। आप दूसरे छोर पे देख सकते हैं आर एस भी कॉर्ड है, और यू टी जो है वो डायमीटर है, तो ऑब्वियसली वो लॉन्गेस्ट कॉर्ड ही होगा। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर थ्री हो जाता है कंप्लीट। और अब बारी है क्वेश्चन नंबर सी। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हमें क्या लिखना है, सेंटर। इसके बाद सेंटर में एक्चुअली आप देख सकते हैं यहाँ बीच में जो है वो एक सेंटर है, तो इसका सेंटर वो हो जाएगा। इसके बाद रेडियस, अब देखो रेडियस क्या है, रेडियस जो है बेसिकली ओ से डी का डिस्टेंस आप देख रहे हैं, ये ओ बी, ओ ए और ये ओ सी, इसको सीधे लिखते हैं ओ ए, ओ बी और ओ सी, ये तीनों के तीनों रेडियस हो गए। नेक्स्ट जो है इसमें डायमीटर भी पूछा जा रहा है, तो डायमीटर जो है वह कॉर्ड होगा जो कि सर्कल के सेंटर से होकर के पास करे, तो वो है ए। और नेक्स्ट है कॉर्ड, ठीक है। कॉर्ड क्या होगा, तो आप देख रहे हैं बी से सी पॉइंट को टच कर रहा है दो अलग बिंदुओं पर, तो ये कॉर्ड हो गया बी से। और नेक्स्ट होगा ए, ए से बी, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर सी कंप्लीट हो गया। और अब क्वेश्चन वन का आखिरी सवाल यानी डी, क्योंकि हम लोग बनाएंगे Thank you.
इसका सेंटर एल। इसके बाद हम देखेंगे रेडियस, तो रेडियस आप देख सकते हैं ये एल एन, एल एन, एल एन, एल एन और एल पी, एल पी, ठीक है, ये तीन जो है इससे रेडियस है। नेक्स्ट डायमीटर, डायमीटर क्या होगा जो सेंटर से पास कर रहा हो, तो एम एन, एम एन जो है एक मात्र डायमीटर। और बात करें अगर कॉर्ड की, कॉर्ड आप देख सकते हैं जैसे ओ से एन, ओ एन, उसी तरह से ओ एम, ठीक है। उसके बाद एन टी, और जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड है वो है एम एन। डायमीटर तो हमेशा कॉर्ड में आएगा, ठीक है, बिकॉज डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर वन, जिसमें मैंने ए बी सी और डी क्रमशः चारों प्रश्न आप लोगों का सॉल्व कर दिया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी बच्चे देख रहे हैं वो अच्छे से समझ भी रहे होंगे। अगर आपने एक क्वेश्चन नहीं समझा या नहीं देखा तो बेसिकली आप दूसरे क्वेश्चन पर गौर करें तो आपको कुछ ना कुछ तो समझ में आएगा। अगर आप दूसरे क्वेश्चन में भी अगर आपको उलझन है, कन्फ्यूजन है, तो आप तीसरे सवाल को देख सकते हैं। और फाइनली उम्मीद करता हूँ कि चौथे सवाल तक तो आप अच्छे से समझेंगे, ठीक है, जो भी बच्चे वॉच कर। तो आइए क्वेश्चन नंबर टू स्टार्ट करते हैं। वन तो फिनिश हो गया। क्वेश्चन नंबर टू में कहता है फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल हूज रेडियस इज 12 सेंटीमीटर क्या दिया, ठीक है, हमें निकालना है फाइंड द डायमीटर, तो डेफिनेटली ये रेडियस ही दिया। हम लिखेंगे गिवन रेडियस इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, हमें निकालना है डायमीटर, लिखेंगे वी नो दैट डायमीटर इज इक्वल टू 2 इनटू रेडियस, 2 इनटू रेडियस, मैंने फॉर्मूला आप लोगों को बताया होगा, व्हाट द रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड डायमीटर, ठीक है। तो डायमीटर इज इक्वल टू 2 इनटू रेडियस, दैट मींस 2 इनटू रेडियस कितना है 12, यानी 12 की जगह क्या हो जाएगा 24 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर ए का आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर बी में दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखेंगे यह है रेडियस इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड वी नो दैट डायमीटर इज टू इनटू रेडियस, दैट मींस टू इनटू रेडियस तो 25 है आपका, तो 25 के लिए 25 हो जाएगा कितना, हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सी की बात है, देखिए सी में दे रखा है 9 सेंटीमीटर, तो ऑब्वियसली आप सॉल्यूशन जब भी बनाइएगा थोड़ा इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा, ये फॉर्मेट तो मैंने सेट कर दिया, ठीक है, कि भाई आप ये चीज़ आप यहाँ से मैं हटाएगा, मैं तो बार बार क्वेश्चन इसको रिपीट नहीं करूँगा, ठीक है। मैंने एक ही बार लिखा और सब में इसमें इंप्लीमेंट कर दिया। तो आप लोग भी क्या करोगे कि मतलब इसे जो है जितने भी सवाल होंगे सब में अलग रखेंगे, आपके पास कोई ऑप्शन रहेगा नहीं, तो आपको सारे प्रश्नों में ऐसे ही लिखना होगा, ठीक है।
सबसे पहले गिवन रेडियस इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर. वी नो दैट डायमीटर इज इक्वल टू 2 इनटू रेडियस. डायमीटर इज इक्वल टू रेडियस का वैल्यू क्या है? 9 है. 9 इनटू 18 सेंटीमीटर इसका आंसर हो गया. और क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर डी में है 32 सेंटीमीटर. ठीक है, यहाँ रेडियस में देखोगे गिवन रेडियस इक्वल टू 32 सेंटीमीटर एंड वी नो दैट डायमीटर इज इक्वल टू 2 इनटू रेडियस. डायमीटर इज इक्वल टू रेडियस का वैल्यू कितना है? 32 है. 32 या 64 सेंटीमीटर. ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट. इसके बाद हमारी क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल होल्स. अब डायमीटर दे रखे हैं, ठीक है, तो हम यहां लिखेंगे गिवन डायमीटर. ठीक है, डायमीटर इज इक्वल टू, एंड वी नो दैट रेडियस इज इक्वल टू, यहां फार्मूला बनेगा रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर बाय हाफ. ठीक है, तो सबसे पहले डायमीटर जो है वो कितना दे रखा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में? देखिए 40 सेंटीमीटर. ठीक है, ये रहा ए में 40 सेंटीमीटर. तो हम सॉल्यूशन लिखेंगे गिवन डायमीटर इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर एंड वी नो दैट रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर बाय 2. यानी डायमीटर का हाफ होता है हाफ ऑफ डायमीटर. तो डायमीटर जो भी है उसको 2 से डिवाइड करो, यानी 40 है तो 40 में 2 से डिवाइड कराइए तो आपका होगा 20 सेंटीमीटर. ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर ए. इसी तरह से क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर सी और क्वेश्चन नंबर डी आप लोग जो है इसे बनाएंगे खुद से. और बहुत इजी है, 36 सेंटीमीटर है तो ये आपका डायमीटर है तो इसको हाफ कर दो तो 18 सेंटीमीटर का रेडियस हो जाएगा. बट व्हाट वी लिख के बनाना आपको, ठीक है, जैसे मैंने ये नंबर बनाया उसे बी सी डी, उसी तरह से नंबर सी में अगर 28 सेंटीमीटर है तो उसको 2 से डिवाइड करोगे 14 सेंटीमीटर का रेडियस हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर डी जो है वो 14 है तो उसमें भी अगर 2 से डिवाइड करोगे तो 7 सेंटीमीटर आपका वैल्यू देगा. तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 कंप्लीट हो जाता है. ठीक है, अब बारी है क्वेश्चन नंबर 4. तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में ड्रॉ एंड मेजर द रेडियस एंड फाइंड डायमीटर. ड्रॉ एंड मेजर द रेडियस एंड फाइंड द डायमीटर, मतलब आपको रेडियस इसमें ड्रॉ करना है और फिगर दे रखा है पीछे आपका ए बी सी करके, तो आपको स्केल से पहले इसका रेडियस फाइंड करना है. ठीक है, रेडियस को आप ड्रॉ कर देंगे. सपोज रेडियस अगर 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, देखिए इसको बनाना कैसे है. इसी तरह से डी
आप कंप्लीट कर लोगे। और क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका सिमिलर है, इसमें ड्रॉ एंड मेजर द डायमीटर एंड फाइंड द रेडियस। अब यहाँ जो है आपको ड्रॉ करना है डायमीटर को, उसको माप लेना है कि अगर वो 4 सेंटीमीटर है तो जस्ट ऑपोजिट मतलब उससे आप रेडियस फाइंड करना है। रेडियस आप जानते हैं डायमीटर जो अगर 4 होगा तो उसका हाफ कर दो 2 सेंटीमीटर तो उसका रेडियस हो गया, अगर वो 6 होगा डायमीटर तो उसका हाफ कर दो 3 सेंटीमीटर, ये इसका क्या हो गया रेडियस हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। एंड आई होप कि आप लोग इस एक्सरसाइज को काफ़ी अच्छे से इंजॉय करके बनाएंगे और बहुत ही प्रैक्टिकल चैप्टर है, आप वैसे फटाफट जाएँ और कंप्लीट करें। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।